हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हमारे भारत देश को धोखा देने वाले तीन ऐसे गद्दार व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है। इन तीनों ने भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत से कारनामे को अंजाम दिए हैं और हमारा भारत देश, जिनको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, उसको अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। इन गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर ऐसा सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर बहुत से ऐसे इंसान भी भारत में थे जिन्होंने भारत को बचाने की लाखों कोशिश की, पर उनसे कुछ नहीं हुआ। वह भारत के सच्चे रक्षक थे, लेकिन अगर यह तीन गद्दार भारत में नहीं होते तो भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं रहता और दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बन जाता। वैसे आपको बता दें कि अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का मौका इन तीन गद्दारों ने ही दिया था। यह गद्दार और कोई नहीं बल्कि जियाजीराव सिंधिया, मीर जाफर और राजा मानसिंह थे, और इनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था। वैसे आपको बता दें कि अपने शासनकाल में इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर व्यापार करना चालू किया, जिनके कारण अंग्रेजों को भारत देश के सभी अनमोल और अतुल्य खजाने का ज्ञान हो गया था और इन्होंने सबसे पहले इन्हीं खजाने को चुराना चालू किया। इसलिए भारत के इतिहास में यह बात दर्ज है कि अंग्रेजों को रास्ता दिखाने वाले यही तीन गद्दार लोग थे, अन्यथा आज भारत सोने की चिड़िया होता। तो अब आपको इन तीन गद्दारों के लोगों के बारे में कैसा लग रहा है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करना। इससे यह होगा कि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगी, वो भी सबसे पहले।